सुनिए, बोलिए। टाइम हो गया और आप अभी रेडी भी नहीं हुए। मेरे हाथ में कुछ इम्पोर्टेंट काम है, ये फिनिश कर लूं फिर तैयार होता हूँ। पता है, निया की फोटो देखते ही लड़के ने उसे पसंद कर लिया और फॉरेन टिकट्स भी बुक कर दी। और शादी के बाद नेहा की जॉब से भी इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लगता है इस बार सब कुछ सही हो जाएगा। आई हैव अ गुड फीलिंग अबाउट दिस। अरे छोड़ो ना काम को, रेडी हो जाओ। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ गड़बड़ मेरे कुछ करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। होगा वही जो हर बार होता है। I have given up. At least आज के दिन तो ऐसी बातें ना करें। मेरे पीछे पड़ने से अच्छा है अपनी लाडली को जाके देखो, अभी तक वो तैयार भी नहीं हुई होगी। जाओ देखो उसे। हाँ देखती हूँ। रीमा by the way आज बहुत अच्छी लग रही है तुम। आप भी बस रेडी हो जाइए। Give me 2 minutes. हे भगवान, नेहा तुम अभी की अभी वैसे ही बैठी हो। वो लोग आते होंगे, जल्दी से रेडी हो जाओ। पापा का गुस्सा मालूम है ना, ये कपड़े भी आयरन करके रख। नेहा उठो, जल्दी रेडी हो जाओ। मम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी। लड़की भी मम्मी देख, आप लोग क्यों जबरदस्ती मेरी शादी के पीछे पड़े हो? जब होनी होगी हो जाएगी ना। रोज रोज लड़कों का मुझे देखने आना, कभी ये कभी वो। मम्मी जब मैं कंफर्टेबल होंगी मैं आपको बता दूंगी, बट प्लीज अभी नहीं। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा और मैं तुम्हें लेके कितने वरिड है। और पापा तो इस वक्त कह रहे थे कि ये रिश्ता पक्का ही हो जाना चाहिए। ये क्या हालत हमेशा करती रहती हो। देखो बेटा, हो सकता है यही तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो। लड़का अच्छा है, फैमिली अच्छी है, तुम खुश रहोगी। रेडी हो जाओ। और हाँ प्लीज उनके सामने अच्छे से पेश आना। प्रॉमिस। कम ऑन, चलो रेडी हो जाओ। नेहा जी, इस बार कोई सीन क्रिएट मत करना। चलो जल्दी आओ। अरे शर्माइए मत, आपका अपना ही घर है, प्लीज। आदित्य बेटा, तुम्हारा ऑफिस तो काफी दूर है, तो तुम कैसे जाते हो वहाँ पर रोज? अरे नहीं अंकल जी, कहाँ दूर है, बाइक से जाता हूँ, बाइक से आता हूँ। और 180 सीसी की बाइक है मेरी, तो सुबह के वक्त
सिर्फ 17 मिनट में ऑफिस पहुंच जाता हूँ। नेहा कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है? बस यही है, रीमा तरह नेहा को लेकर आओ। मैं अभी देख के आई, आप प्लीज। नेहा जी, नेहा आ गई। आओ बेटा। बेटा सर्व करो। नेहा बेटा चाय दो। अंकल जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या नेहा और मैं अकेले में कुछ बात कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। नेहा बेटा आदित्य को अपना कमरा दिखा दो और अपना घर भी दिखा दो। जाओ बेटा जाओ। जी जी। सुनेहा, तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है? आई मीन डांसिंग, सिंगिंग, व्हाट यू लाइक टू डू? डू यू माइंड? प्लीज। थैंक यू। वैसे अंकल जी मुझे बता रहे थे कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो, और मैंने सुना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां बहुत तेज होती है, सो आई शुड बी केयरफुल। हाँ बट तुम काफी डिफरेंट हो। आई मीन शर्मीली, शांत, चुपचाप। तुम यूजुअली ऐसी होती हो या आज कुछ? सी प्लीज बी कंफर्टेबल, ओके? डोंट वरी, आई लाइक टू नो मोर अबाउट यू। हे ट्रॉफीज, लगता है स्कूल कॉलेज में काफी पॉपुलर थी तुम। चैंपियन है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो बड़ी वाली ट्रॉफी वो मेरी स्टेट लेवल बैडमिंटन चैंपियनशिप की है, और उसके साथ वाली वो डांस में। बाकी ये तो सब बातें पुरानी हो गई, अब तो टाइम ही नहीं मिलता। नेहा, आई लाइक योर हेयर स्टाइल। क्या मैं तुम्हारी पुरानी फोटोज देख सकता हूँ? देखो तो कि तुम तब ज्यादा खूबसूरत थी या अब हो। I like what you've done to your room, yeah? Nice. फोटो देखेगा? कौन सी फोटो देखेगा? कॉलेज की? नेहा, अरे मेरे बचपन। मेरा ये मतलब नहीं था। मेरी फैमिली की। अरे नेहा रुक जाओ। या फिर मेरे फ्रेंड्स की? नेहा मत करो, रुको। दिल्ली की तेज लड़कियां देखेगा? पागल हो गई हो क्या? पागल। मम्मी, पापा। आदित्य,
मम्मी चलो यहाँ से, ये लड़की में कुछ गड़बड़ है, साइको है। ठीक तो है, क्या हो गया? बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूँ, चलो मैं नहीं रुक रहा हूँ। अरे अरे सब बात तो सुनिए। नेहा 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 क्या हुआ है? नेहा क्या हुआ है यहाँ? नेहा मम्मी मुझे नहीं पता मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया मम्मी, मम्मी सब सब ठीक था मम्मी, आई प्रॉमिस। मैं कुछ भी तो ठीक नहीं है, क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं हुआ ऐसे, तुमसे मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, आपने ये परेशान होने का उदास होने का नाटक बंद करो। क्या प्रॉब्लम है? क्या बात है? किस बात की सजा दे रही हो हमें तुम? बोलो। छोड़िए, रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताएगी हमें, कब बताएगी? अरे वाह, आज तो नेहा आई है। नेहा बेटा खाना खाओ। चलो मैं आज अपने हाथों से तुम्हें खिलाती हूँ तुम्हारा फेवरेट वेज पुलाव, बहुत पसंद है ना तुम्हें? लो आ करो आ। अरे गुड गर्ल। अच्छा एक और मेरी तरफ से। हाँ नेहा बेटा तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम हमेशा ऐसे चुप चुप क्यों रहती हो? तुम तो पहले कभी भी ऐसी नहीं थी, हमेशा इस घर में हंसती हंसाती रहती थी, यहां से वहां फुदकती रहती थी, और अचानक से ये क्या हाल बना लिया तुम्हें? प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करो, हम दोनों हर वक्त हर मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़े हैं बेटा, बस एक बार मुझे मेरी नेहा वापस लौटा दो। आप कुछ कहते क्यों नहीं? Ah!
डॉक्टर साहब हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर नेहा के साथ ये सब क्यों हो रहा है। प्लीज डॉक्टर हेल्प अस, यू आर द ओनली होप ना। डोंट वरी मैम, आपने अभी जो कुछ बताया वो डिप्रेशन के सिम्टम्स है। डिप्रेशन? इफ यू डोंट माइंड, मैं नेहा के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स। ठीक तो हो जाएगी? बताओ नया बेटा, आपको क्या टेंशन है? कुछ तो ऐसी बात है जो दिल ही दिल में आपको खाए जा रही है। डॉक्टर वो, हाँ बताओ। मुझे इंतजार है, किसी की जान लेना चाहता हूँ मैं। आप क्या मेरी मदद करेंगे डॉक्टर? मैं तो ये सोच रहा हूं कि तेरी मदद कौन करेगा। नेहा, क्या हुआ? नेहा पापा, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुमने क्या किया डॉक्टर के साथ? क्यों इस तरह भाग गया? मैंने कुछ नहीं किया पापा। मेरे साथ क्या हो रहा है पापा? मुझे कुछ याद नहीं रहता। कुछ तो है जो आप और मैं नहीं देख पा रहे। आदित्य जिस तरह से भागा और उसने कहा कि नेहा पागल है। मम्मी चलो यहाँ से, ये लड़की में कुछ गड़बड़ है। और अभी तक जितने भी लड़के उसे देखने आए सबका भी वही हाल हुआ और वो भी ऐसे ही भागे थे। आपको क्या लगता है? तुम ठीक कह रही हो रीमा, तो मुझे भी लगने लगा है कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हें लेने आया हूं अमित। किधर है नेहा? नेहा उधर देखो। नेहा
चल बैठो। नेहा, 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 नेहा आगे करो, नेहा आगे करो, नेहा, 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 रुको बेटा। मैं डॉक्टर भूषण बोल रहा हूँ। कौन डॉक्टर भूषण? आपके बेटी को मेरे हॉस्पिटल में लेके आए थे आप। वो एक सुसाइडल केस था। जी बोलिए। एक डॉक्टर होते हुए मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपके बेटी के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे कोई मेडिकल साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्या मतलब है आपका? देखिए, मैं मदद लेके आपके घर पे आ रहा हूँ, अब मेरा इंतजार करना। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या हुआ हमारी नेहा को? प्लीज इसे ठीक कर दीजिए। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं जरूर करता। पर हमारी बच्ची के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों तुली हुई वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने पर? इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए मैं प्रोफेसर क्षितिज को लाया हूं। लड़की कहां? वहां पे कमरे में ऊपर। आप आइए मेरे साथ। आप सब यहां रुकिए, मुझे उससे किले में मिलना है। नहीं, हम तो समझ ही नहीं पाए कि हमारी बेटी पे क्या बीत रही है, और अब आप चाहते हैं कि मैं इस हालत में से अकेला छोड़ दूं? ये भावनाओं पे काबू रखे, वो कोई इंसानी ताकत नहीं है। आप सबकी समझ से परे है वो। मुझे अपना काम अकेले करने दो। ताकत? अमित, ये हाँ, वही ताकत आपकी बेटी से ये सब करवा रही है। आप लोग घबराओ मत, आपकी बेटी उस ताकत से लड़ना चाहती है, उसे हराना चाहती है, और मुझे पूरा यकीन है प्रोफेसर क्षितिज उसे बचा पाएंगे। प्लीज ट्रस्ट हिम। जानता हूं यहां कोई और भी है। नेहा, तुम मुझे सुन रही हो? नेहा, मैं तुमसे बात करने आया हूं। नेहा, नेहा,
क्षितिज, प्रोफेसर, क्षितिज, क्या हुआ? प्रोफेसर, आप कुछ बोल रहे हैं? प्रोफेसर, नेहा, नेहा, अमित, नेहा, 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 बेटा क्या हो गया? नेहा बोलो बेटा। नेहा, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी के साथ ये सब क्यों हो रहा है? नेहा तो ठीक है, उसके शरीर से वो आत्मा भी निकल चुकी है। इसका मतलब है प्रोफेसर क्षितिज, रोहित को मदद की जरूरत है। मुझे रोहित के रास्ते से हटना है ताकि वो नेहा को मार सके। मुझे मरना है। क्या करने जा रहे तुम ठीक हो? तो फिर क्षितिज ठीक हो? 30 मार्च नेहा को मार देगा। कौन मारेगा? रोहित, रोहित भूषण। कल 30 मार्च है। वो नेहा को मार देगा। हमें उसको बचाना। कैसा? वो भूषण कैसा? 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 नेहा को बचाना भूषण। 23 मार्च। 23 मार्च को ये रोहित नेहा को क्यों मारना चाहता है? 23 मार्च 2015 तो कल है, तो पिछले 23 मार्च को कुछ हुआ है। 23 मार्च को? कौन सा 23 मार्च? 23 मार्च को दो हजार बारह तेईस मार्च
रोहित बंसे कमिट सुसाइड, रोहित बंसे। रोहित नेहा से प्यार करता था, फिर रोहित ने सुसाइड क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेहा रोहित से प्यार नहीं करती थी, यानी वन साइडेड लव? अगर ऐसा है तो रोहित बंसी की आत्मा ही है जो नेहा को मारना चाहती है। यस नेहा बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। हम हैं ना तुम्हारे साथ। अमित, अमित, मेरे रोहित की आत्मा को पकड़ लिया है, आओ आओ मेरी मदद करो, कम ऑन अमित, कम ऑन। नेहा तुम यहीं रुको। तेईस मार्च शुरू हो गया, 23 मार्च तो शुरू हो गया। रोहित बंसी का एड्रेस। बंसी बंसी 0022 842 842। हाँ हेलो हेलो मिस्टर बंसी, दरवाजा खोलो बेटा। साथ रहना है, आज 23 मार्च है, ये दिन भूली तो नहीं होना तुमने। हाँ यार, he's so annoying, so irritating. मतलब पता नहीं कितने मैसेजेस कर चुका है एंड 60 कॉल्स। ओ गॉड, पता नहीं मैं इसको टैकल कैसे करूं। हाँ चल छोड़, चल कल रिहर्सल्स में मिलते हैं, ठीक है? See ya, bye, good night. बहुत मेहनत लगी, पर बात भी उतनी जरूरी थी। जरूरी बात? तुम इस तरह मेरे घर में चोरों की तरह आए हो जरूरी बात करने, पागल हो क्या? स्टॉप एक्टिंग नेहा, दिखावा करना था। किस चीज का दिखावा? दिखावा इस बात का कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम पागल हो गए हो,
मैं तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ और ये सब के बाद मैं तुम्हें जानना भी नहीं चाहती। लेकिन इसके बाद शायद तुम मान जाओगे। ये क्या बकवास है रोहित? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और शादी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम्हें समझ नहीं आता? पर नेहा, तुम मुझसे कितना प्यार से बात करती थी। रोहित, मैं सबसे प्यार से बात करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबसे जाके शादी कर लूंगी। अरे, तुम्हारे साथ कुछ नोट्स के एक्सचेंज कर लिए, उसका मतलब ये नहीं बनता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नहीं करती, कोई बात नहीं, मुझसे शादी कर लो। I promise you, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी और मुझे यकीन कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करोगी। Stop it, Rohit. God, देखो मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जी सकता तो मैं जीना ही नहीं चाहता। रोहित, अगर तुम इसी वक्त यहाँ से नहीं गए ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी, तुम्हें, तुम्हारा करियर, सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। ठीक है ने, मैं जा रहा हूँ। तुम मुझे जरूर भूल जाओगे पर आज का दिन तुम्हें हमेशा याद रहेगा, हमेशा याद रहे। इस मुझे माफ कर दो रोहित, मुझे रोहित, प्लीज प्लीज रोहित, नो नो। नेहा, बोलो वहाँ पर, बोलो। जल्दी करो नेहा, मैंने एक साल से इस दिन का इंतजार किया है। तुम्हें अपने आप को मारना ही होगा, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। I love you. बंसी जाइए, जल्दी आइए, बात कीजिए, प्लीज। हाँ, जाइए, प्लीज जाइए। अमित, मिस्टर अमित, ये रोहित के माता पिता है, इनको बात करने दो, रोहित के आसपास को मारना चाहती है, क्या बात करो प्लीज। रोहित, बेटा दरवाजा खोलो, ऐसी गलती मत करो, इसे छोड़ दो बेटा, दरवाजा खोलो। रोहित, बेटा बच्ची को छोड़ दो। रोहित, बेटा रोहित, देखो बेटा समझा करो, तुम पहले भी एक गुनाह कर चुके हो, दूसरा गुनाह मत करो बेटा, बच्ची को छोड़ दो। रोहित, बेटा प्यार जबरदस्ती से नहीं होता, छीन लेने से, मांग लेने से भी नहीं होता, इसे छोड़ दो, दरवाजा खोलो बेटा, खोलो। देखो बेटा, नेहा को मार के तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा, अगर तुमने उसे मार भी दिया क्या उसकी आत्मा तुमसे प्यार करेगी, समझा करो बेटा। रोहित, अपने पिताजी की बात सुन लो तो। रोहित, बेटा अगर वो मरने के बाद भी तुमसे प्यार नहीं करेगी तो इसे मार के क्या मतलब है, इसे छोड़ दो, इसे जाने दो, खोलो दरवाजा। रोहित, अपनी माँ की बात मानो, छोड़ दो नेहा को। रोहित, प्यार का तो दूसरा नाम ही त्याग होता है, समर्पण होता है। अगर तुम सचमुच नेहा से प्यार करते हो तो बेटा नेहा को छोड़ दो। नेहा,
नेहा कैसी है तू? वो जा चुका है फाइनली. He has gone. Yes. If you want to enjoy more horror TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.